Chai. कितनी प्यास? ऋषि को मैगी भी हाँ ना एक चाय थोड़ी कौन सी जरूरत है घुटन में होगी बोल क्या के साथ क्या दूँ फिर मैं कितना गैस दूँ बिस्कुट दूँ चाय के साथ बिस्कुट दे दो कुछ तो खाती तो वो कोई बात नहीं बोल बार बार वही कहेगी कोई बात नहीं दादा कुछ नहीं तो उसको बदबू से आ रही है उनका अभी खोल लेता हूँ खोल दो पौना कप चाय है पूरा भरा हुआ पौने को सर बायो में वो जो वो था एक वो टॉपिक था ग्लाइकोकैलिक्स वाला सर वो फिर से करवा देना। ग्लाइकोकैलिक्स अच्छा ठीक है यस सर। सर युवराज का टेस्ट 3 to 4 है या 4 to 5 है? टू ओके सर। ओके क्लास देर आर सम लॉज जो हम पहले नहीं कर पाए थे अभी एक बार पुराने लॉज को रिवाइज करा के फिर हम नए लॉज पे चलते हैं ठीक है मल्टीपल ये थोड़ा सा टफ है समझ लो पर आई होप तुम्हें समझ आ गया है चलिए ना तो दोबारा मिलेंगे लॉग मल्टीपल प्रोपोजिशन ठीक है कितना भी टफ नहीं है दिमाग में मत बना लो ठीक है जो कभी भी नहीं होगा देखो लॉग मल्टीपल प्रोपोजिशन क्या कहता है पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कहती है इफ टू एलिमेंट combine to form more than one compound then mass of
one element that combines with fixed mass of other element is always in simple whole number ratio. थोड़ा बस बोलने में डिफिकल्ट लगता है, समझोगे आसानी लगता है. क्वेश्चन पहले इक्वेशन इसको पढ़ो टू एलिमेंट. तो पहले पहले हमें कितने एलिमेंट चाहिए, टू एलिमेंट हमें ये समझ आया. वी नीड टू एलिमेंट और ऐसे एलिमेंट होने चाहिए दैट कैन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. ऐसे टू एलिमेंट जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना, ठीक है. उसके बाद उसको बोला एक का मास फिक्स करना है, मास ऑफ वन. तो कह रहे दूसरे का मास विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो. तो एक एक कैसे है, पहले कह रहे हैं दो एलिमेंट को, ऐसे दो एलिमेंट को जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं. सबसे इजी एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन H2 एक एलिमेंट है, O2 एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है. दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड टुगेदर. H2 प्लस O2 बनाता है H2, और H2 और O2 क्या बनाते हैं बताओ, मिक्स होके बताओ H2 और O2 क्या बनाते हैं. और वेट कर रहा हूँ सर. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. H2 और O2 मिलके बनाता है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड. तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो बैलेंस होगी रिएक्शन. तो अब हम इसमें नहीं कह रहा, हमें दो ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं. H2 और O2 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड, यानी H2O वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट इज मेकिंग वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो हमारी कंडीशन तो मीट होगी कि ऐसे दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो तो कंपाउंड बना रहे हैं. अब वो कह रहे हैं एक का मास फिक्स कर दो. तो पहले हम मास निकालते हैं. हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, 16 × 2. ये मास से समझ आया 4 और 32 कैसे आया, बच्चे मत बताओ. ये समझ आया 4 ग्राम और 32 ग्राम कैसे आया, सेम है और नो. ठीक है, ये मास सबको समझ आ गया कि 4 ग्राम और 32 ग्राम कैसे आया. अब यही चीज हम नीचे वाले कंपाउंड में भी करते हैं, ठीक है. नीचे वाले एलिमेंट को बनाने के लिए भी हमें H2 और O2 की जरूरत थी. तो H2 कितना है यहाँ पे, 2 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम. अब वो कह रहा था एक किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, ठीक है. तो सपोज इसको मैंने फिक्स कर दिया, दोनों फिक्स है. कैसे पता फिक्स है, क्योंकि दोनों 32 है. तो दिस मास इज फिक्स, दोनों का 32 है. अब वो कह रहे हैं जब तुम बाकी दो एलिमेंट्स को देखोगे कि वो किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब H2 दोनों में कितने रेशो में कंबाइन कर रहा है. तो इसमें 2 में है तो उसमें 4 में, तो रेशो कैसे, 1:2 रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो. ये लॉ कहना चाह रहा है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ लॉ. लॉ कह रहे हैं अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट H2 और O2 है और मिलकर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो कह रहे हैं द मास ऑफ
one element है H2, it combines with fixed mass of the other element, दोनों में mass हमने fix कर दिया, दोनों में 32 ले लिया, तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों की ratio, इसमें 2 लग रहा है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4, 2, 2, 4, 1, 2, तो हमेशा ये ratio simple whole number में आएंगे, ये है हमारा law of multiple proportion, is this clear, say yes or repeat. इसका हम एग्जाम्पल और लिखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से देखो, यूं से समझो, कह रहे हैं इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, कोई देखो दो एलिमेंट सीएम में एच टू और ओ टू, दो एलिमेंट है, और कह रहे और ये दो कंपाउंड में आ गए वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो कह रहे एक का मास फिक्स कर दो, एक का मास फिक्स कर 32, तो कह रहे दो बाकी दोनों का देखो कितना यूज हुआ, में 2 ग्राम यूज हुआ परऑक्साइड में, तो वाटर में 4, तो 2:4 रेशियो सिंपल होल नंबर की है। अब ये सिंपल होल नंबर से क्या मतलब है, ये कोई है सिंपल होल नंबर का मतलब है कि रेशियो ऐसे आ सकते हैं 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 ऐसी कुछ रेशियो आ सकती है, ऐसी रेशियो नहीं आएगी दैट 1:1.3, 2:3.9, मतलब हमेशा रेशियो रहेगी होल नंबर नॉट फैक्ट पॉइंट या फैक्ट। ठीक है, एग्जांपल और लीजिए तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल साधारण ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, राइट, तो ये दो एलिमेंट है बैलेंस करते हैं, ठीक है, कार्बन का मास कितना होता है 12, उसके नीचे क्या रखेंगे 12 ग्राम, और फिर जो है 16 × 2 = 32, नीचे रखेंगे 32, यहाँ पे कार्बन कितना हुआ 24 × 12 = 24 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ 32 ग्राम, इसको फिक्स रख सकते हैं, ऑक्सीजन फिक्स है ना, तो अब इन दोनों की रेशियो देखो, ये फिर से वही रेशियो आ गई 12:24, राइट, 12:24 यानी 1:2, हमारा लॉ समझ आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में अच्छा एक ये डाउट जो आ रहा है तुम्हारा कि भाई कार्बन की जो रेशियो है, ये देखो कनिष्ठा तुम्हारा ये डाउट है, टू एलिमेंट्स का रेशियो नहीं है ये, एक ही एलिमेंट कार्बन का ही रेशियो दो कंपाउंड में, CO2 में 12 ग्राम है और CO में वो 24 ग्राम इधर टू CO में बैलेंस, तो दिस इज द रेशियो ऑफ सेम एलिमेंट इन टू इक्वेशंस, हाँ सेम एलिमेंट इन टू इक्वेशंस, कार्बन का ही इन टू इक्वेशंस देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर डाउट कनिष्का? ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगा, तो ये नोट्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, जिसके पास नहीं है तो हम पढ़ते आ रहे हैं आज का, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये किसने दिया था ये लॉ, लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी टॉइन लेवर्स, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे, उसने ये देखा जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता था तो जितना मास उसको रिएक्टिंग में लेता था उतना ही मास उसके प्रोडक्ट में लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल बनाए तो H2 + O2 = H2, राइट, H2 + 2H2 रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो जब वो लेता था अब देखो
हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 × 2 × 2 तो अगर मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर अगर तुम मॉलिक्यूल्स दे रहे हो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन में इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल है वाटर के लिए कितने दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन कितने 1 मॉलिक्यूल है कैन यू सी कि हाइड्रोजन का टोटल मास यहाँ पे कितना यूज हो रहा है 4 क्यूब ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना यूज हो रहा है 32 यू ठीक है और वाटर का कितना बन रहा है 2 × H2 दैट इज H2O होता है 18 तो जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं उतना ही वाटर बन रहा है मास इज कांस्टेंट रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में और रिएक्टेंट की एंड में ठीक है तो ये H2O2 नहीं है देखो H2O2 अलग होता है और रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं ये वाला एग्जांपल क्लियर है वाटर के साथ जिन्होंने एग्जांपल लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सीएस ऑफ हमें या रिपीट बोल सकता है रिपीट कर रहा हूं law of definite motion so I repeat for that next law is law of definite motion so ye kisne diya tha ye yaad rakhna hai joseph gauss theek hai kisi scientist ke name bhi aa jate hain entrance exam mein स्पेशली नीट में तो तुम्हें हर एक साइंटिस्ट के कौन सा लॉ किस टाइम स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड एग्जैक्टली कंटेन्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इसका मतलब क्या है ही वांट्स टू से कि अगर तुम सपोज वाटर के वाटर तुम बेसिकली वाटर वाटर में तुम ले सकते हो यू कैन टेक इट फ्रॉम बिस्लरी You can take it from a pond. Okay, you can take it from sea water. So, तुम water tank से भी लो. तो सब waters में hydrogen और oxygen का mass ratio same हो. Hydrogen कितना है यहाँ पे 2 और oxygen कितना है 16. तो ratio क्या है 1:8. वो water चाहे कहीं का भी सी से लिया चाहे आर ओ का वाटर लिया चाहे कौन से ले लिया तो वाटर का हमेशा रेशियो बाय मास बिल्कुल कौन सी तो हम बोल सकते हैं कि वाटर का मास डेफिनेट प्रोपोर्शन है वही चीज उन्होंने बोली है क्या बोली है कि अ गिवन कंपाउंड by always contains exactly the same proportion of element by weight by mass हमेशा रेशियो सेम है अब उसने किसके अंदर देखा था ये उसने वो वाटर पे नहीं किया था उसने काम किया था क्यूब्रिक कार्बोनेट क्यूब्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला वो थी CuCO3 तो उसने नेचुरल सैंपल में ऑक्सीजन वाला कितना है एक नेचुरल लिया और एक उसने लैब में बनाया
नेशनल सैंपल में से लेकर 51.35% कॉपर, 9.74% कॉपर, 38.91% टोटल कॉपर, और उसे सिंथेटिक में देखा सेम रेशियो, रेशियो क्या है सेम, तो इससे लेकर कि चाहे कि मैं सैंपल मैक्सिमम ले लूं या मैं सिंथेटिक, तो मेरे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय मास इज सेम, तो दैट इज व्हाई इट इज the law of definite proportion. Is this clear to everyone? Say yes or no. Please wait a second. चलो मैं फिर बाद में लेता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं बाद में लेता हूँ. हाँ एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, देखो कॉपर कार्बोनेट का बताया. देख कॉपर कार्बोनेट की जोसेफ क्रिस्ट ने क्या किया, एक नेचुरल सैंपल लिया, उसके अंदर कार्बन कॉपर कार्बोनेट परसेंटेज कॉपर निकाली, परसेंटेज ऑक्सीजन निकाली, ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन और कार्बन की परसेंटेज निकाली, और नेचुरल सैंपल में भी सेम था एंड सिंथेटिक सैंपल में भी सेम था. सो कनिष्का यू कैन मेक दिस टेबल इन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज फॉर कॉपर कार्बोनेट, क्लियर. और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया प्रतीक, अब आवाज आ रही है और ये लॉ क्लियर है. ठीक है नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज आवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो हमने देख लिया है वो तो सबको क्लियर है. तो ये तीन लॉज हमने कर लिए, अब दो लॉ बचते हैं, वन इज एवोगैड्रो लॉ एंड वन इज गे-लुसैक्स लॉ. तो पहले मैं तुम्हें एवोगैड्रो लॉ समझाऊंगा सो दैट हमें गे-लुसैक्स लॉ भी समझ आ सके. ठीक है मैंने कहा था कि पहले हम एवोगैड्रो लॉ से निकलते हैं, गे-लुसैक्स लॉ को भी सही करते हैं. तो एवोगैड्रो ने क्या देखा वो देखा, तो एवोगैड्रो ने चेक किया, उसने क्या किया, एक लीटर का बॉक्स लिया और एक लीटर के बॉक्स में उसने देखा कि कितनी हाइड्रोजन गैस आ रही है. Sir, voice is not audible. मॉलिक्यूल्स ऑफ एक बॉक्स में थे ये हाइड्रोजन के थे. अच्छा आवाज ऑडिबल नहीं थी. खराब है. अच्छा चलो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ फिर. तो एवोगैड्रो ने चेक किया, उसने क्या किया, एक लीटर का बॉक्स लिया और एक लीटर के बॉक्स में
उसने देखा कि कितनी हाइड्रोजन गैस आता है। ठीक है, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा। ठीक है, फिर उसने सेम डायमेंशन का एक और बॉक्स लिया, एक लीटर का, एक लीटर वॉल्यूम का, और उसने देखा कि कितने O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। दो बॉक्सेस लिए सेम वॉल्यूम के, सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सेम। ठीक है, ही ऑब्जर्व कि जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एक बॉक्स में थे ये हाइड्रोजन के थे। सोचो, दिस इज हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोजन गैस मोल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और इस बॉक्स में उसने भरे थे ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ऐसे ही एक थर्ड बॉक्स में सपोज उसने कोई और गैस भी ले ली, चाहे वो ले ले वाटर या वो ले ले NH3, कोई भी गैस। नेक्स्ट इसमें उसने सपोज NH3 ले ली, अमोनिया, इसमें NH3 के मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि ऑल ऑफ देम एट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये सेम वॉल्यूम लिए सबकी, उस सेम वॉल्यूम में अंदर सेम मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो एवोगाड्रो ने ये ऑब्जर्वेशन लेते हुए ये बोला कि सेम वॉल्यूम या इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो ने प्रपोज किया। एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे कि भाई एक लीटर चाहे H2 ले लो, एक लीटर चाहे NH3 ले लो या एक लीटर चाहे O2 ले लो, क्यों उनके सेम मॉलिक्यूल आ रहे हैं बॉक्स में। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो जो जो गैस स्टेट होता है ना उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वेरी वीक होते हैं, राइट। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक, इतने वीक होते हैं कि वो सब में नेग्लिजिबल के अराउंड होते हैं, सब में कितना होते हैं, नेग्लिजिबल के अराउंड होते हैं। तो चाहे वो O2 हो, चाहे वो H2O, H2 में भी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि गैस फोर्स में, गैस में हमेशा ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक रहेगा, चाहे वो NH3 हो उसमें भी नेग्लिजिबल रहेगा। तो अगर सब में नेग्लिजिबल फोर्स है और हमने एक ही बॉक्स लिया है तो सबके सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सेम मॉलिक्यूल्स नहीं आने चाहिए एक एक बॉक्स में जो सेम वॉल्यूम का है। अगर सबके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो सबके अंदर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, से यस और नो? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी की कोई क्लास है तो जा सकता है। ये और तुम्हारे पास एक बॉक्स, ऐसे बॉक्स तुम्हारे पास तीन बॉक्स या दो बॉक्स हैं या चार बॉक्स हैं, जितने भी बॉक्स हैं, ठीक है, तीनों सेम अमाउंट के
वॉल्यूम के बॉक्स हैं, सारे एक लीटर के बॉक्स हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारे बलून्स हैं वो बलून्स सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बस उनका कलर अलग है। तो जितने मैक्सिमम बलून्स एक बॉक्स में आएंगे उतने ही मैक्सिमम दूसरे में आएंगे और उतने ही तीसरे में आएंगे, क्यों? बिकॉज सबने कलर तो सेम है ना, कलर ही डिफरेंट है, साइज तो सेम है ना। यहाँ पे साइज सेम है, पर अब तुम बोलोगे H2 का साइज तो छोटा होगा, O2 बड़ा होगा और NH3 और भी बड़ा होगा। यहाँ पे जो बलून्स का साइज है वो यहाँ पर जो गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर सब में इक्वल हैं तो सारे इक्वली अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। तो अगर इक्वल अट्रैक्ट रिपेल करेंगे तो जितने दो H2 के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट रिपेल करते हैं उतना ही O2 के करेंगे, जितना NH3 के करते हैं उतना ही O2 के करेंगे। तो जब सब में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इक्वल होंगे तो एक बॉक्स में चाहे O2 डालो या CO2 डालो या NH3 डालो, सबके सेम मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड कि एवोगैड्रो ने कैसे इस लॉ को बनाया होगा? अब क्लियर है, किसी को नहीं है क्लियर तो यू कैन से रिपीट। अगर सबको क्लियर है तो से क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हें क्लियर नहीं है जिसको, ये देखो मैं ही कह रहा हूँ कनिष्का, डिफाइन ये है इसकी डेफिनेशन ये है एवोगैड्रो लॉ की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं अगर तुम एक लीटर किसी भी गैस का लेते हो उसमें सेम मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब में बराबर होती हैं, चाहे वो O2 हो H2 हो N2 हो। अगर तुमने एक इक्वल वॉल्यूम ली है, इक्वल वॉल्यूम मतलब सबके अंदर एक लीटर लिया है और सबको सेम टेम्परेचर पे लिया है, तो सबके अंदर इक्वल पार्टिकल्स आएंगे। मतलब सपोज इसके अंदर 20 पार्टिकल आते हैं तो इसके अंदर भी 20 आएंगे और इसके अंदर भी 20 आएंगे। गैसेस डिफरेंशिएट नहीं करती कि सेम वॉल्यूम में ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो कनिष्का, ठीक है। सो ये हमारा था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लॉ इज हमारा गेलुसैक्स लॉ। उससे पहले एवोगैड्रो लॉ की कुछ एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट, उसको समझो। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वन मोल ऑफ गैस एक से देखो एवोगैड्रो लॉ से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आती है वो ये, हमने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैज इक्वल मॉलिक्यूल्स, राइट। Equal volume has equal molecules. So can I say equal molecules of gas will have
इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल मॉलिक्यूल्स, सो आई कैन ऑल्सो से दैट इक्वल मॉलिक्यूल्स विल हैव इक्वल वॉल्यूम. ये बात समझ में आई? तो टाइप यस. नहीं आई तो टाइप नो. ठीक है, तो अब अगर सपोज मैं इक्वल मॉलिक्यूल्स ले लूं, सबके इक्वल मॉलिक्यूल्स ले लूं सारे गैसेस की, तो सपोज मैं ले लूं 6.022 × 10⁻²³, इतने मॉलिक्यूल्स ले लूं. ठीक है, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दीज आर 1 मोल मॉलिक्यूल्स. तो सब गैसेस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इक्वल होगी, या वो गैटो लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चला. तो हमने मेजर भी किया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये कितना वॉल्यूम होती है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वॉल्यूम होती है 22.4 liters, यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ any gas at standard temperature and pressure, जिसको हम लिखते हैं STP, जो कि कितना temperature और कितना pressure होता है, 298 Kelvin and 1 bar pressure. ठीक है, 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, हर एक gas 22.4 liters ही occupy करती है. ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है. इज दिस क्लियर? से यस और नो. ये तुम्हें लिखना है, लर्न करना है ये वैल्यू. प्रतीक और कनिष्का बताओ, भविष्य तुम्हें आता है ये टॉपिक? प्रतीक तुम्हें बोलना पड़ेगा बीच में, ऐसे मुझे यहाँ से देख बिना देखे पता नहीं चलता कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं. ये तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा. अगर तुम नहीं बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो जब तक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. तो प्रतीक, जब भी मैं पूछता हूँ येस और नो, तो तुम्हें लिखना है येस या नो. अदरवाइज ये 11th है, ये 10th नहीं है कि भाई एक टॉपिक छोड़ा और अगला टॉपिक समझ आ जाएगा. पूरा चैप्टर ही वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने कोई भी टॉपिक ऐसे जाने दिया, सोचा कि मैं चलो बाद में कर लूंगा, खुद कर लूंगा. अब शर्माने के दिन छूट गए. ठीक है, अब 10th चली गई, 11th में आए हुए हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ो. जो चीज नहीं समझ आती मुझसे दोबारा पूछो. ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ. ये बात तो एवोगैड्रो लॉ कह रही थी कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल मॉलिक्यूल्स. ये तो हमने किया. अच्छा, एक बार ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग का आईडी भेज रहा हूँ, उसमें समझाता हूँ. ठीक है.